दोस्तों, अगर आप भी एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप का यूज़ ज़रूर करते हो। तो इसी दौरान आप लोग कभी ना कभी सुनने होंगे किसी के भी मुंह से कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है। हैक ये वर्ड कभी ना कभी आप किसी के भी मुंह से सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे। आप लोग इतने सारा व्हाट्सएप पे चैट में किसी के साथ चैट में बात करते हो, फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट शेयर करते हो, तो ऐसा तो नहीं कोई दूसरा बंदा देख रहा है। सिंपल बात है, अगर कोई आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लेता है तो सब कुछ देख पाएगा ईजीली। सो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा चार गलतियां बताऊंगा व्हाट्सएप में, जो चार गलतियां आपको व्हाट्सएप में कभी भी जिंदगी में कभी करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट कोई भी चुटकियों में हैक कर लेगा। ठीक है, चार गलतियां बताऊंगा जिससे आप व्हाट्सएप को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो, मतलब चार गलतियां आपको व्हाट्सएप में कभी भी करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट अदरवाइज आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है। तो कौन सी वो चार गलतियां हैं जो आपको कभी करना नहीं चाहिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहना, और अगर चैनल पर नए तो उनको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो मिस्टेक है वो आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे कि आपका व्हाट्सएप में कोई ऐसा लिंक आता है जहाँ पर बोलता है ऐसा, यहाँ पर देखना ऐसा बोलता है कि फ्री चॉकलेट मिल रहा है, फ्री कैडबरी मिल रहा है, ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए, तो इसके लिए इस लिंक पे क्लिक करें, ऐसा कुछ आपको दिखाता है। ठीक है, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में न्यू वर्सन आ चुका है इसलिए डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, किसी का भी एनिवर्सरी है इसके लिए 44 एनिवर्सरी या कुछ भी एनिवर्सरी है इसके लिए इस लिंक पे क्लिक करें, या फिर इस मैसेज को इतने ग्रुप में या अपने दोस्तों के पास इतने ग्रुप में शेयर करें, बहुत सारे कुछ आपको दिखाता है। पर दोस्तों, इस इनसा जो लिंक है, इन लिंक पे आपको आप लोग कभी ना कभी क्लिक किए भी होंगे। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक पार्टिकुलर वेबसाइट में आप चला जाते हो, फिर एक इंटरफेस आपको दिखाता है। ठीक है, फिर अब आपको यस नो या फिर कुछ भी आपका एक ओपिनियन देना पड़ता है, बोलता है कि ओपिनियन दो, कुछ भी बोलता है। ठीक है, मैं तो इस लिंक पे कभी क्लिक नहीं किया, पर जानता हूँ ऐसा होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी बोलता है, फिर उस लिंक को बोलता है कि उस लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी दोस्तों के पास शेयर करो, उसके उसको दोस्तों के पास शेयर करो, सभी मैं दोस्तों के पास शेयर करो। और दोस्तों, ये जो लिंक होता है ना, इसको आप लोग को क्लिक कभी करना नहीं चाहिए, नहीं इसका जो ये जो वेबसाइट है, मतलब जो लिंक क्रिएट किया है, इसका जो एक ओनर होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक ओनर है, और उसका ओनर का एक फ़ायदा होता है, मतलब जितना सारा उस लिंक पे क्लिक आएगा उतना उनका फ़ायदा होगा, जो उसका जो इसको क्रिएट किया है, बनाया है। ठीक है, उनका उतना फ़ायदा होता है, पैसा उसका बहुत सारा पैसा होता है, जितनी बार उस लिंक पे क्लिक करेगा लोग उतना उतना पैसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मिस्टेक है, या गलती आपको कभी करना नहीं चाहिए। और सेकंड मिस्टेक है, मैं कुछ कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो व्हाट्सएप जीबी का यूज़ करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पाने के लिए। व्हाट्सएप में भी बहुत सारे फीचर्स है, पर उनको उनसे भी नहीं होता, उससे भी अच्छा और भी अच्छा फीचर्स पाने के लिए वो व्हाट्सएप जीबी का यूज़ करते हैं। और व्हाट्सएप जीबी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप जीबी पूरी तरह से सिक्योर नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ करोगे तो व्हाट्सएप में वो लिखा रहता है, किसी के साथ भी चैट में बात करोगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, मतलब आपके अलावा आप किसी के साथ चैट में बात कर रहे हो उन दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी कोई भी आपका व्हाट्सएप चैट में जो बात कर रहे हो वो नहीं देख सकता। इवन व्हाट्सएप का जो मैनेजर है वो भी उसको नहीं देख सकता, पूरा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, मतलब वो सिक्योरिटी है। पर व्हाट्सएप जीबी में इतना सिक्योरिटी नहीं मिलता, इसलिए मेरा सलाह यही है कि आप अगर आप सिक्योरिटी की मामले में देखोगे तो व्हाट्सएप बेटर है, व्हाट्सएप की जीबी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए आपके सिक्योरिटी के लिए। और थर्ड मिस्टेक है, व्हाट्सएप में कभी कभी ऐसा भी आता है कि आप देखना कि आपका व्हाट्सएप वर्सन पुराना हो चुका है, न्यू वर्सन की ज़रूरत पड़ जाएगा, अपडेटेड हो चुका है। ठीक है, आपका न्यू वर्सन की ज़रूरत पड़ता है, मतलब अपडेट करना होगा आपके व्हाट्सएप को। फिर वहाँ पर एक लिंक भी वो लोग दे देते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके इसको अपडेट करो, फिर वहाँ पर लिंक पे जाकर आप क्लिक कर दो, फिर सेम टू सेम व्हाट्सएप का इंटरफेस दिखता है, फिर दिखता है, फिर अब आप अगर क्लिक करके उसको अपडेट करते हो तो व्हाट्सएप अपडेट करते हो तो समझ जाना आपका व्हाट्सएप ऑलमोस्ट लीक हो चुका है, व्हाट्सएप का डेटा। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे किसी भी लिंक के थ्रू आप अपने व्हाट्सएप को भी अपडेट ना करें। अगर आपको व्हाट्सएप अपडेट करना ही है तो आप प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप को सिंपली से इजीली बहुत आसानी से अपडेट कर सकते हो। पर मैंने आपसे ही गुजारिश है कि आप किसी भी लिंक के थ्रू अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर भी ना। फोर्थ एंड लास्ट जो मिस्टेक है वो है व्हाट्सएप वीडियो कॉल को लेकर। आप लोग व्हाट्सएप में वीडियो कॉल भी जरूर करते होंगे, पर इसी दौरान आप लोग कभी कभी भूल जाते हो कि व्हाट्सएप जो वीडियो कॉल आप करते हो वो कि मतलब वीडियो कॉल को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। समझ लो आप किसी के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है जो वीडियो कॉल आप कर रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, पर कुछ भी वीडियो कॉल को कोई बंदा से वो मतलब वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है,
तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कभी भी मतलब व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में आपको कभी भी कोई भी ऐसा मूवमेंट पर्सनल कोई भी मूवमेंट आपको वीडियो कॉल में कभी नहीं करना चाहिए, जिससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है, कभी ये लीकेज लीक हो सकता है आपका पर्सनल मूवमेंट। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लीकेज है व्हाट्सएप की तरफ से नहीं भी हो सकता है, जो आप बात कर रहे हो वो भी तो कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी बंदा है सब कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हाट्सएप में कोई वीडियो कॉल में कभी ऐसा कोई मूवमेंट ना डाले जिससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है और वीडियो बाद में वायरल भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा कुछ ना करें। तो ये कुछ गलतियाँ थे जो आपको कभी भी व्हाट्सएप में करना नहीं चाहिए। इन गलतियों को अगर आप अवॉइड करते हो तो आप व्हाट्सएप अकाउंट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर चैनल पर ना तो उनको सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना।